हिंदुस्तान के रहने वाले हैं और उसमें भी उत्तराखंडी है, खून बहाया है देश के लिए, जब जब जरूरत पड़ी है नीचे मिलती है। जसवंत सिंह के नारे बारे में पता होगा आपको, पौड़ी के ही रहने वाले थे, 300 चाइनीज को आने ले लिया 72 घंटे तक, और जब देखा उन्होंने ये तो भाग गए थे, सब लोग भगाते थे, युद्ध से पैदा हुआ, धर 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 यहां से भी गोली, वहां से भी गोली, वहां से भी गोली मार रहा था, जासूस भेजे तब पता लगा। ये लिखी आती है जगह जगह जो हमारी राइफल और वो लगा रखे हैं हमने इस दिन तक, अकेले उसमें भर के मार रहा है कारोबिंग करके, तब पकड़ा ऊपर से उन्होंने मारा, मरते मरते भी उसने मार दिया लोगों को, अंत में उसको फांसी दे ली जसवंत सिंह जी को। जसवंत बाबा ही भी शायद जसवंत जी भी घेरा दुख में रहते हैं, वो आज भी उनको जिंदा माना जाता है, बाद में ठुकरी से गर्दन काट दी उनकी, वो तो फिर 3 महीने 4 महीने के बाद चाइना के लोग लाए, ऐसा बहादुर हो नहीं सकता आपके देश का, वो उत्तराखंड का सदूत था, आज जसवंत गर्दन में मैंने झंडा फहराया। छुट्टी आते हैं तो ट्रेन में डब्बा खाली आता है, 4 सिपाही आते हैं, 2 महीने के बाद जाते हैं तो वो बेड खाली रहता है, रात को वहां बिस्तरा रहा जहां रहता है जसवंतगढ़ में, सुबह जब देखेंगे उनके जूतों में धूल होती है, बिस्तरा मोड़ा होता है, अगर कोई छपकी आ गई किसी को जवान को उठ गए क्या खड़े हो तो, वो शक्ति है उत्तराखंड के। अपने को जानो, हम लोग बहुत एक लोग हैं, हम हमारे सपना करके अलग होंगे, गीत बात हमारे वही है, शादियां हमारी वही है, छोटी छोटी बातें पहले से कोई अरे मेरे थुलचे सराज देवरी लोगों में तुम बद्रीनाथ पूजाचंद। तो इसी तरह की नई और बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए अखंड भारत टीवी। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।